राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 25वां मैच होने जा रहा है आईपीएल 2019 में। ये एक रिवर्स फिक्स्चर है, आपको याद होगा कि राजस्थान चेपॉक में हार चुकी थी और अब बदले के लिए भूखी होगी इसे टीम जो अब तक सिर्फ एक मैच जीत पाई है। भाई दूसरी तरफ चेन्नई का क्या बढ़िया फॉर्म रहा है, अब होम गेम्स तो कुछ अरसे बाद ही आएंगे, तो एमएस धोनी यही चाहेंगे कि जितनी भी पॉइंट्स वो ऑन द रोड पिकअप कर सके वो जल्दी से ले ले। मेरे साथ ESPN रिकन फॉर मैच डे हिंदी पे दीप दास गुप्ता, और 3 में से 5 सही जवाब उन्होंने कल दिए थे क्विज में, उम्मीद है आज 4 या 5 देंगे। 3 ही दिए थे ना कि मैंने गलत बोल दिया? नहीं, 2 दिए। 2 दिए थे, कोई बात नहीं, इस बार वो 4 दे देंगे, या इसका मतलब 5 दे देंगे। नहीं नहीं भैया, वो 40% इज गुड, 40% जस्ट पासिंग। हाँ, मैं भी ऐसा ही था थोड़ा, लेकिन मेरे को 50-60 आ जाता था फिर। मेरे कई कबार मैंने 40 के लिए लिखा था, उतने ही अटेम्प्ट किए, लेकिन मेरे एग्जामिनर ऐसे थे कि 60 हो गए। चलिए कोई नहीं, शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ आज के इस क्विज में। आईपीएल में एमएस धोनी के नाम 21 अर्धशतक है, इनमें से कितने उन्होंने राजस्थान के खिलाफ लगाए हैं? 1, 3, 5, 7। जरा एक ऐसा आप सोच लीजिए, ये सवाल लगता है एकदम बेकार सा, मुश्किल सा, लेकिन अगर आप सवाल को मुश्किल समझ के अगर मैं प्रोबेबिलिटी में जाता हूँ, नहीं, नहीं, आप इतनी डिटेल में मत सोचिए, आप नैरो डाउन कीजिए। नैरो डाउन, हाँ, और ये सोच लीजिए कि हमने ये क्यों दिया है सवाल आपको। 1। हाँ, ये हुई ना बात। मैं जब मेरे पार्टनर मेरे साथ बैठे थे, मैं हमेशा उनको थोड़ा ऐसा कॉपी करने देता था, इसलिए इतना चल जाएगा। 1, और वो 1 आपको याद होगा, ये रिवर्स फिक्स्चर में ही था जब एमएस धोनी ने 75 रन बना के बहुत ही शानदार पारी खेली, जयदेव उनादकट को काफी रन के लिए मारा उन्होंने, तो बहुत ही बढ़िया रन थे वो, बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक मुश्किल में से स्थिति थी चेन्नई सुपर किंग्स की, और अच्छा स्कोर फिर उन्होंने लगाया और आखिरकार राजस्थान चूक गई चेस में। दूसरा सवाल दीपदास गुप्ता के लिए, दीप, इनमें से किस खिलाड़ी ने राजस्थान और चेन्नई में से सिर्फ एक टीम की तरफ से ही आईपीएल में खेला है? जडेजा, मॉरिस, टिम साउदी या जयदेव उनादकट? एक तो सीधा सा है, दूसरा भी मेरे ख्याल से सीधा सा है, तीसरा और चौथा सीधा है या नहीं पता। राजस्थान और चेन्नई में से सिर्फ एक टीम खेली है, चलिए जवाब दे दीजिए दीप। कुछ हाँ, सॉरी, कुछ भी तरह से ही खेले, एक टीम सऊदी खेले तो हैं, क्रिस मॉरिस खेल चुके हैं दोनों राजस्थान की तरफ से और चेन्नई की तरफ से भी। सही जवाब है जयदेव उनादकट, जो केवल राजस्थान के लिए खेले, आज तक चेन्नई के लिए नहीं खेले, पुणे के लिए खेले एमएस धोनी के साथ। हाँ, शायद वो आपकी एक छवि होगी कि धोनी के साथ खेले लेकिन पुणे में खेले। ट्रिक क्वेश्चन, बिल्कुल जयदेव उनादकट की गेंद की तरह नहीं, क्योंकि उनकी गेंद अब सीधी आती है और बैट्समैन उन्हें मार देते हैं और अब उन्हें टीम से बाहर रखा गया है। तीसरा सवाल, राजस्थान के उस इकलौते खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने चेन्नई के खिलाफ आईपीएल में शतक लगाया है। ग्रेम स्मिथ, नमन ओझा, शेन वॉटसन, जॉस बटला? अच्छा सवाल, शेन वॉटसन, बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही बढ़िया जवाब आपका। 2013 में 101 रनों की पारी चेपॉक में खेली, उसी दिन एमएस धोनी ने तय कर लिया कि इनको मैं अपनी टीम में एक दिन ले लूंगा, और वही हुआ। चले दीप, चौथा सवाल आपके लिए, राजस्थान और चेन्नई के बीच आईपीएल किसी एक मैच में 5 या अधिक विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज का नाम बताइए। रविंद्र जडेजा, सोहेल तनवीर, बालाजी, जेम्स फॉकनर? सोहेल तनवीर, बिल्कुल सही जवाब, एक आसान सा जवाब था। सोहेल तनवीर 6 for 14, ये रिकॉर्ड 10 साल तक बरकरार था पिछले मैच में, और पिछले और कुछ ही दिन पहले अलजारी जोसेफ ने इस रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी, 6 for 12 लिया हैदराबाद के सामने। चलिए आखिरी सवाल, दीप की अच्छी परफॉर्मेंस, 5 में से 3 ऑलरेडी, 4 में से 3 तो पास तो हो ही गए, अभी मेरिट में डिस्टिंक्शन में जाएंगे या नहीं। सर, आपका सवाल दीप, चेन्नई के किस बल्लेबाज के नाम अपने टीम के लिए आईपीएल में सर्वाधिक बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड है? क्या कमाल का रिकॉर्ड है ये, अंबती रायडू, पार्थिव पटेल, सुरेश रैना, एमएस धोनी? आखिरी तो होंगे नहीं, पार्थिव आखिरी तो हो सकते थे क्योंकि सबसे ज्यादा वो खेले भी हैं,
तो सुरेश रैना होंगे 7 बार, लेकिन पार्थिव पे जिस तरह आपने विश्वास दिखाया था बहुत बहुत दाद दूंगा मैं उनके। और अमित रायडू क्या पता इस रिकॉर्ड के पीछे भी होंगे कि इस तरह की फॉर्म है। चलिए मैं कुछ ज़्यादा ही आज मीन मूड में हूँ। हाँ मैं बहुत ही खराब मूड में हूँ ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि चेन्नई ने इतनी देर लगा दी हमें घर पहुँचाने में पिछले मैच में, पर अच्छी फॉर्म में चेन्नई सुपर किंग्स, उनके सामने राजस्थान रॉयल्स। टाई भी पहन रखा है चेन्नई वाली, चेन्नई वाला टाई ही है ये बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान के टाई पहन के कोई फायदा तो है नहीं, तो इसलिए मैंने चेन्नई का पहना है। और इसी के साथ बात करेंगे एमएस धोनी की, क्योंकि धोनी के लिए हमारे पहले मैच पॉइंट की तरफ हम बढ़े, तो धोनी के लिए एक पर्सनल माइलस्टोन होगा, क्योंकि अगर ये मैच जीत गए तो ये 100वां जीत उनका हो जाएगा आईपीएल के इतिहास में। सबसे ज्यादा चेन्नई के लिए हुए, कुछ इधर उधर पुणे के लिए भी हो चुकी है, लेकिन 60% जीत के साथ आईपीएल के एक बहुत ही सक्सेसफुल और कामयाब कैप्टन माने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। और दाद देनी पड़ेगी अगर कोई इस माइलस्टोन के हकदार है जो सबसे पहले पहुंचे, तो शायद इस टूर्नामेंट की इतिहास में धोनी ही होने चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, और खासकर कप्तानी की हम बात करें क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बनाया इस पूरे टीम को, संवारा है इस टीम को और चलाया है इस टीम को, दाद देने लायक ही है। और जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि काफ़ी सीधा साधा है उनकी फिलॉसफी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, क्योंकि वैसे ये T20 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो सकता है क्योंकि कम वक्त है, तो आप ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़्यादा ओवरथिंक कभी कभार आप कर देते हैं। तो वहीं पे मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी खासियत उनकी दो हैं, एक तो काफ़ी सिंपल रखते हैं चीज़ों को, और दूसरी बात यह है कि उनको पता है किस प्लेयर से कितना वो निकाल सकते हैं, उनकी अपेक्षाएं उतनी ही होती हैं जिनको जितना वो निकाल सकते हैं, उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं करते जी। और अगर उनकी पर्सनल फॉर्म की भी बात करें तो शुरू में ही सीजन में राजस्थान वाले मैच में जिस तरह उनकी प्यारी उन्होंने खेली, वो आगे के सीजन के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए, उनके क्लैरिटी के लिए वो एक अच्छी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी थी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी, क्योंकि देखिए अगर उनका सेटअप भी देखें तो बहुत ज़रूरी है कि वो घर के मैचेस जीते, तो वो वैसा एक मैच था जहाँ पे, और वो पिछला वाला जो मैच आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे पहले बल्लेबाजी की थी, दूसरे बल्लेबाजी करते हुए आपको फिर वो ड्यू का भी फर्क पड़ता है चेन्नई में, तो उस हिसाब से भी आप देखें तो बहुत ज़रूरी वो जीत और वो पारी खासकर। और जैसे आपने कहा कि अभी तक अगर आप देखें तो खासा कुछ बल्ला चला नहीं है ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों का जी, तो वहाँ पे भी और थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है एम एस धोनी का बल्ला चलना जी। बल्ला तो चला ही है चेन्नई का, और महेंद्र सिंह धोनी को ढेर सारी शुभकामनाएं अगर वो बन जाते हैं पहले कप्तान ये मैच जीत कर आईपीएल में 100 जीत दर्ज करके। लेकिन जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो ज़्यादातर गेंदबाजी के दम पर ही चेन्नई टॉप ऑफ द टेबल रही है, और उनकी गेंदबाजी के बारे में अगर थोड़ी बात हो जाए तो इमरान ताहिर, दीपक चहर जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे, हरभजन सिंह को 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल चुके हैं भाई। ड्वेन ब्रावो भले ही फिलहाल टूर्नामेंट में इंजरी से बाहर है, लेकिन उनकी वापसी कभी भी हो सकती है। और इसे इस तरह देख सकते हैं कि टॉप 10 लिस्ट में 4 चेन्नई के गेंदबाज शामिल, और भी मनोबल बढ़ेगा, दीपक चहर भी अपना हाथ उठा चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे विकल्प है एम एस धोनी। देखिए सिर्फ विकेट नहीं, अगर आप इकोनॉमी रेट पे भी नज़र डालें तो 5.25 इमरान ताहिर, लगभग 6 के करीब दीपक चहर, 6 के नीचे ही हैं, 5.25 से नीचे हरभजन सिंह हैं, ब्रावो थोड़े से ज़्यादा क्योंकि डेथ में डालते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ जो देखने लायक है, क्योंकि जो हालात हैं, जो अभी तक 5 में से 6 मैचेस घर पे खेले हैं, तो वो एक फ़ायदेमंद साबित हुई है उनके लिए। मेरे ख्याल 4 मैचेस घर पे खेले हैं तो वो फ़ायदेमंद साबित हुए हैं, क्योंकि टर्निंग ट्रैक थे और वहाँ पे भज्जी ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन खासकर दाद देनी पड़ेगी दीपक चहर की जी, जिस तरीके से उस सतह पे भी उन्होंने इतने सारे विकेट लिए, और उनके साथ भी उनका भी इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से किया है एम एस धोनी ने। चलिए, और अगर प्लेइंग 11 की पे नज़र डाले दीपदास गुप्ता की, तो क्या इस पे कोई परिवर्तन होंगे? जिस टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को इतनी बुरी तरह से हरा दिया था उस दिन चेपॉक में, एक ऑप्शन आपने खुला छोड़ा है, अगर हरभजन सिंह खेले या शार्दुल ठाकुर दीप, उसकी वजह ये कि अगर अब जिस तरीके का पिच राजस्थान ने बनाया था कोलकाता के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर घुमाव देखने को नहीं मिलता सवाई मानसिंह स्टेडियम में, अगर वैसे ही पिच मिले तो वहाँ पे तो 3 स्पिनर खिला सकते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा वैसा अगर ना हो, और अगर जैसे हम अबूमन देखते हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम जहाँ पे थोड़ा घास रहता है, उछाल है, तो शायद वहाँ पे 3 स्पिनर के साथ ना जाएं, एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज ले जाएं। और इसके पहले भी हमने देखा है, अगर कभी वो चेंज किया है टैक्टिकल एम एस धोनी ने, तो वो हरभजन के जगह पे हुआ है वो चेंज, तो उस हिसाब से। चलिए वाह, एक तरफ जहाँ सीनियर प्लेयर, बड़े प्लेयर चेन्नई के लिए अपना हाथ उठा रहे और मैच जिता रहे, वही दूसरी तरफ राजस्थान के लिए ये एक बड़ी समस्या है, और कैसे इस समस्या का समाधान निकालेंगे अजिंक्य रहाणे, क्योंकि बड़े प्लेयर खुद रहाणे भी है, दूसरी तरफ बेन स्टोक्स, और
और स्टीव स्मिथ भी, और आपकी प्लेइंग 11 पे अगर एक बार हम नजर डालें तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि आपने एक और ऑप्शन खुला छोड़ा है, प्रशांत चोपड़ा को लाया गया था पिछले मैच में, लेकिन ना तो बल्लेबाजी मिली, बल्लेबाजी माने जाते हैं। सैमसन जो इंजरी से बाहर है उनके लिए आपने ऑप्शन खुली रखी है। ये बड़ी सी आपने परिवर्तन किया, एश्टन टर्नर को लाया है स्टीव स्मिथ के अगेंस्ट, जो टॉप स्कोरर थे लास्ट मैच में राजस्थान के लिए, और वरुण एरन के लिए भी आपने जगह बनाई है मिधुन के आगे। जी हाँ, वो भी उसी पिच के ऊपर थोड़ा सा दिमाग में रख के कि पिच किस तरीके की होगी, अगर पिच वैसी होगी पिछले मैच की तरह तो फिर आप मिधुन को खिलाएंगे, वरना आप एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज खिलाएंगे। अब जो बड़ा मुद्दा है एश्टन टर्नर और स्टीव स्मिथ का, देखिए मुझे लगता है कि वहाँ पे उस बल्लेबाजी के क्रम में बहुत सारे एक जैसे एक तरीके के बल्लेबाज हैं, चाहे आप अजिंक्य रहाणे ले लीजिए, राहुल त्रिपाठी ले लीजिए, सैमसन भी अगर ले लें, या प्रशांत चोपड़ा, वो भी ऊपरे क्रम के बल्लेबाज हैं, तो वो एक जो है देखने वाली बात है। और सैमसन फिट है कि नहीं वो अभी तक पता नहीं है, तो कुछ आपको पीछे मिडिल ऑर्डर में या लो मिडिल ऑर्डर में कोई ताबड़तोड़ बल्लेबाज चाहिए जो यू नो पावर हिटर हो, वो उसकी कमी दिखती है इस बैटिंग ऑर्डर में, तो वहाँ पे अगर कोई चेंज कर सकते हैं और वैसा कोई पावर हिटर है तो वो एश्टन टर्नर है, जो कि भारत के विरुद्ध जो अभी हाल ही में सीरीज में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, ठीक है, तो मुझे लगा कि वही अगर वहाँ पे जरूरत है तो एश्टन टर्नर किस वक्त। बड़े खिलाड़ी फिलहाल अपना हाथ नहीं उठा रहे राजस्थान के लिए, अगर रहाणे की बात की जाए, स्मिथ की बात की जाए, या फिर किसी भी बात, उनके जो टॉप प्लेयर्स है बेन स्टोक्स की भी वो इतना प्रभाव नहीं पड़ा है इस सीज़न में, और सबसे ख़राब स्ट्राइक रेट की लिस्ट में आप रहाणे को भी मालूम वो नज़र आते हैं, और फिर स्टीव स्मिथ भी नज़र आते हैं, शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए आपने स्टीव स्मिथ के लिए जगह नहीं बनाई। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा काफ़ी एक जैसे खिलाड़ी हैं वहाँ पे, स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे, अगर सैमसन अगर अवेलेबल हैं, त्रिपाठी भी कोशिश करते हैं, लेकिन एक आपको वैसा चाहिए बल्लेबाज, क्योंकि बेन स्टोक्स की अगर हम बात करें तो वैसा चला नहीं उनका बल्ला, तो एक कोई हो जो इन फॉर्म बल्लेबाज हो और पावर हिटर हो, और वहाँ पे वो एश्टन टर्नर मुझे दिखते हैं। चलिए देखेंगे फिर कौन इस समस्या का समाधान बनेंगे अजिंक्य रहाणे के लिए, क्या कोई परिवर्तन करेंगे राजस्थान। अभी फिर से वो पीरियड आ गया आईपीएल में, अगर आप एक दो जीत नहीं दर्ज कर देते तो आप बाकी की टीमों से पीछे छूट जाएंगे। कुछ आंकड़ों में भी नजर डालेंगे, और हेड टू हेड अगर आप इन मैचअप्स में मानते हैं, शायद राजस्थान फैंस के लिए ये एक काफ़ी एक अच्छा एक स्टैट होगा, क्योंकि 5 मैच में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 3 मैच जीत चुकी है राजस्थान। छोटा सा सैंपल साइज है, कुछ साल ऐसे भी थे जब राजस्थान जयपुर में नहीं खेल रही थी, लेकिन फिर भी चेन्नई के सामने उनका रिकॉर्ड अच्छा होगा, तो ये एक छोटी सी शायद उनको एक विश सांत्वना। बिल्कुल, क्या बात है, फिर से कहिए, सांत्वना, क्या बात है, क्या बात है, क्या है वो, अब जान कोई नहीं, उम्मीद कायम है राजस्थान रॉयल्स के लिए। आप दीप दास गुप्ता की प्रिडिक्शन, क्या आप मानेंगे कि एक अपसेट माना जाएगा मेरे ख्याल से अगर चेन्नई हार जाए, लेकिन क्या आप राजस्थान में विश्वास रखते हैं? देखिए बहुत पिच के, टॉस और पिच के ऊपर, अगर पिच वैसे ही हो घुमाव वाली जैसे कोलकाता के खिलाफ दिया था, फिर तो वो चेन्नई के हाथ में आप दे रहे मैच को। बिल्कुल, लेकिन अगर वापस अगर उसी तरीके का पिच में जैसे सवाई मानसिंह में दिखता है, थोड़ा सा हाई स्कोरिंग होता है, तो मज़ेदार होने वाला है। 180 के करीब अगर वैसा पिच हो, क्योंकि जैसे पिछले मैच में था वो 160 वाला पिच था। आपने काफी दिलचस्प बात कही, अगर आप राजस्थान होते आप कैसी पिच चाहेंगे चेन्नई के खिलाफ? 180 वाली, 180 वाली। हाँ, मैं चाहूंगा थोड़ा गति हो, उछाल हो जी, और थोड़ा सा हाई स्कोरिंग हो, क्योंकि वही इशू, एक्चुअली वही इशू सीएसके के साथ भी है। अगर आप देखें तो एमएस धोनी है, उसके अलावा कोई पावर हिटर दिखते नहीं है, तो वहाँ पे वो मज़ेदार होने वाला है कि 180 वाले मैचेस में किस तरीके से खेलेंगे। और अगर टर्नर मिल जाए तो एमएस धोनी काफ़ी खुश होंगे उससे, फिर तो गेंदबाजी है उनके पास। चलिए धन्यवाद दीप, काफ़ी दिलचस्प होगा किस तरह की विकेट मिलेगी हमें, किस तरह की पिच होगी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। ये राजस्थान और चेन्नई के बीच 25वां मैच आईपीएल 2019 में, इसके बारे में चर्चा जरूर होगी ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।